प्रधानमंत्री मोदी आज केरल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने देश के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का ऐलान कर उन्हें सम्मानित किया। इन अंतरिक्ष यात्रियों का नाम है ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। पीएम मोदी ने चारों अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए। साथ ही देश के पहले अंतरिक्ष मानव मिशन गगनयान की तैयारियों का जायजा किया, जिसके बीच पीएम मोदी के साथ इसरो प्रमुख एस सोमनाथ मौजूद रहे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सुबह तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे। गगनयान के अलावा पीएम मोदी ने यहां लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 नए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। बात अगर गगनयान की करें तो साल 2025 की शुरुआत में इसे अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। अगर ये मिशन सफल होता है तो भारत इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला 4था देश होगा। भारत से पहले अमेरिका, चाइना और रूस सफलतापूर्वक इंसानों को अंतरिक्ष भेज चुका है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, 2035 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा, जो हमें स्पेस के अज्ञात विस्तार को जानने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, इसी अमृतकाल में भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा।